गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी फैमिली वगैरह भी सब ठीक होंगे। इट्स अ टफ टाइम। पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों को घर में रहकर उतना जज नहीं हो पा रहा होगा शायद, पर फॉर आर कंट्री और बहुत और लोगों के लिए जो इस डिज़ीज़ से विक्टिमाइज हुए हैं और इस समय हॉस्पिटल्स में हैं या जिनकी भी मदद वगैरह हम लोग कर पा रहे हैं, सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम है। लेकिन हम अपनी तरीके से जैसे भी नॉर्मलाइज कर सकते हैं चीज़ों को, हम कोशिश कर रहे हैं करने की। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ सबसे पहले आप स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये बहुत नया तरीका है पढ़ाई का। आप लोगों ने अभी तक सिर्फ क्लासरूम स्टडी किया है और जहाँ पर टीचर आती हैं हाफ एन आवर के लिए, 1 आवर के लिए, और उसके बाद फिर आप उसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और घर जाकर आप लोग एक होमवर्क वगैरह करके और अगले दिन फिर से क्लासरूम में आने की हैबिट आप लोगों को डली हुई है। उसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम्स वगैरह, क्योंकि आप लोग RPVV स्टूडेंट्स हैं तो वो चीज़ भी आप लोगों का एक बर्डन साथ में चलता है। पर फिर भी जिस हिसाब से आप लोग काम कर रहे हैं, चाहे अपने कंफर्ट जोन में रहकर, अपने स्कूल से अलग अपने घरों में रहकर, उस चीज़ में मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। आप अपने आप में एक वॉरियर हैं, एक योद्धा हैं, जो इस इतनी टफ सिचुएशन में भी चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़, हम सब टीचर्स आप लोगों के विद प्रिंसिपल सर, यस, हम सब आपके उस ग्रुप पर हैं और आप लोगों को काम प्रोवाइड किया जा रहा है, वीडियोस जहाँ पर जिस भी टीचर को जैसे भी ठीक लग रहा है, जो उन लोगों को इजी पढ़ रहा है, वो उस तरीके से आप लोगों की जर्नी को बहुत आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, मैं बीइंग अ टीचर आप लोगों को ये बता रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को भी बहुत आसान नहीं है घर से हर चीज़ ट्राई करना और वैसे ही उसको चैनलाइज करना बहुत टफ़ हो जाता है, क्योंकि हमें हमेशा आदत होती है लेट उठने की। अगर आप संडेज़ को घर पर हैं तो बहुत लेट उठना, हर चीज़ बहुत लेट लेट हो जाती है। और एक स्टूडेंट के तौर पर मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है अपने उस जोन में रहकर, आप लोग इतना रिटर्न वर्क कर रहे हैं, इतना पढ़ाई कर रहे हैं, और बच्चे जो हैं वो तो बहुत ही अच्छे हैं, जो इतना सीरियस उसी चीज़ को बिल्कुल एज अ स्कूल वर्क डील कर रहे हैं। बाकी बच्चे भी आज मुझे जैसे इनकरेजमेंट, प्रिंसिपल सर जैसे ही ग्रुप पर आए, पूरा इनकरेजमेंट बच्चों को इतना मिला कि और भी जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं सबमिट किया था, वो लोग भी चाहे डर से चाहे कैसे भी अपना होमवर्क जो है वो सबमिट कर रहे थे। स्टूडेंट्स, मुझे पता है आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है चीज़ें समझने में, जब स्क्रीन पर चीज़ें दिखती हैं तो आप लोग बिना बुक्स वगैरह के भी कई बच्चे पढ़ रहे हैं, और मैक्सिमम बच्चे जो हैं विदाउट बुक्स ही हैं, क्योंकि बहुत जल्दी में सब कुछ बंद हो गया और आप लोगों को चीज़ें अवेल करने का टाइम नहीं मिला। हम पूरी तरीके से समझ रहे हैं, हमारे पास भी बुक्स नहीं हैं, आप ये लोग भी तो समझिए। हम लोग भी वीडियोज़ बनाकर उस चीज़ को कंप्यूटर वगैरह का यूज़ करके जितना हो सके, और आपकी जनरेशन बहुत टेक्नो सेवी है, हम तो बहुत पुराने ज़माने के हैं, तब भी हम जितना भी हो सके उस चीज़ को बहुत सिंपल करके आप लोगों को समझा रहे हैं। उस चीज़ को प्लीज़ वैल्यू करिए। मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे सबसे बड़ा जो प्रायोरिटी है मेरी और विश है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कि जो भी टीचर्स प्रोवाइड करें उसे बहुत सीरियसली डील करें। हमें नहीं पता ये जो सिचुएशन है ये कितने मंथ्स तक रहने वाली है, और हो सकता है कि थोड़ा टाइम ही हो और आपके एनुअल एग्ज़ाम्स आ जाए या SA1 या और किसी एग्ज़ाम को आपको डील करना पड़े इमीडिएटली जैसे ही स्कूल खुले। तो किसी चीज़ का वेट मत करिए कि अभी हम नहीं पढ़ रहे, जैसे स्कूल खुलेंगे तब पढ़ लेंगे। आगे सिचुएशन कैसी होगी हमें नहीं पता है, तो थोड़ा थोड़ा अभी अगर आप रोज़ पढ़ते रहेंगे तो बहुत ईजी रहेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अभी आप आराम से घर में 2 घंटा रेस्ट करके भी सब्जेक्ट उठा सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम है ये पढ़ाई के हिसाब से। आपको कोई स्कूल जाकर 1-1 घंटा कोई ट्रैवल में आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आपको कहीं पर ट्यूशंस नहीं जाना पड़ रहा है, पूरी तरीके से आप सेल्फ स्टडी करके अपने अकॉर्डिंग चीज़ों के नोट्स बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं,
तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए प्लीज़। उसके अलावा मुझे पता है कि आप सब बच्चों के पास दिमाग की कमी नहीं है, चाहे तो आप वो जो पबजी वगैरह खेलते हैं, जब आप वो चला सकते हैं तो आप चैप्टर्स भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स बनाइए और चीज़ों को एक बर्डन के तौर पर मत डील करिए कि अगर टीचर ने एक दिन पहले आपका होमवर्क मांगा या आपकी एक लिस्ट सबमिट कर दी कि ये बच्चे डिफॉल्टर्स हैं तो आप लोगों को मजबूरी में बस कुछ भी लिखना है ऑनलाइन लेकर, आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है। आज मैं द थीफ स्टोरी अपलोड करने वाली हूँ इन अनदर 1 आवर, उसके बाद मैं उसका वर्क आप लोगों का थर्सडे और फ्राइडे चेक करने वाली हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर हो वो आपको सफिशिएंट टाइम दे रहे हैं और फिर भी अगर आप उस चीज़ में हड़बड़ाहट में ही करना चाहते हैं और कहीं से मगिंग अप करके कॉपी डाउन करना चाहते हैं तो आप लोग सीखेंगे कुछ नहीं। हमें काम दिखाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, माइंड में चीज़ जाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझिए। जहाँ प्रॉब्लम आए हम सब टीचर्स आपके साथ हैं, आपके लिए नई चीज़ है समझ रहे हैं हम, टाइम लगेगा ये भी हमें पता है, तो आप लोग जहाँ पर भी थोड़ा भी प्रॉब्लम फेस करें, हमारे पास आपके मतलब पर्सनल नंबर्स भी आप लोग सेव कर लीजिए, चाहे कोई भी इंग्लिश हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, एक क्लास टीचर ही नहीं एक टीचर होने के नाते मैं बोल रही हूँ कि आप किसी भी टाइम अपने वो जो डाउट्स हैं वो टीचर से क्लियर कर लीजिए और काम ईमानदारी से करिए। इस वक्त अगर ऑनेस्टी दिखाएंगे आप लोगों के एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए नोट्स बहुत इजीली आप लोग बना लेंगे, तो इसलिए मैं एक कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ मेरे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल अब अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बर्डन लेस होकर पढ़ाई करनी है, किसी चीज़ का बर्डन नहीं लेना है, स्पेशली बोर्ड क्लास जो 10th में अभी आए हैं, आपको इतना अच्छा टाइम मिल गया है तैयारी करने का, चैप्टर रीड करिए, उसके अपने नोट्स बनाइए, क्वेश्चन आंसर्स टेक्सुअल भी कर सकते हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो सकती है। 1 वीक लीजिए और अपने एक चैप्टर को पूरी तरीके से फोकस करके चाहे पढ़िए। आप मुझे बोल देंगे मैम मैंने इस तरीके से अपना शेड्यूल बनाया है, मैं हर रोज़ इतना सारा काम सबमिट नहीं कर सकता या कर सकती, आई और एनी टीचर वुड हैप्पीली अंडरस्टैंड इट, बट हम एक जो ट्रस्ट रख रहे हैं आप लोगों पर उस चीज़ को अब खराब मत होने दीजिए प्लीज़। बाकी आप लोग सब ठीक रहिए, आपकी फैमिलीज ठीक रहें और जो डिजीज़ है उससे जितना हो सके आप लोग प्रिकॉशंस लेकर बिल्कुल सही सलामत रहिए, ठीक है? ऑल द बेस्ट।